Hello everyone, welcome to Science. It is now possible to explain lightning in terms of charges by, produced by rubbing. You have read in your class 7th about the thunderstorms, where the air current that moves upward and the water droplets they move down. Words. This vigorous moment that will result in the separation of the charges. So, I want to tell you about the story of the lightning in this video. I have told you ki pehle. कि लाइटनिंग हो रही है दस मीन्स के भगवान जो है वो हमारे से नाराज है बट इन 1952 बेंजामिन फ्रैंकलिन टोल्ड अस दैट देयर आर देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ द चार्जेस व्हेन टू थिंग्स दे रब टुगेदर। ओके सो हेयर इज the story of the lightning how this lightning that is produced I'm going to tell you. Positive charges they collect near the upper edges of the cloud jo upper edges hai, pe positive charges collect ho jaenge, and the negative charges they accumulate near the lower edges of the cloud. Negative and the positive charges, दे विल मेट प्रोड्यूसिंग क्या बनेगा स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड ठीक है मैं दोबारा बताती हूं कि जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज टू वर्ड दैट इज एक्यूमुलेटेड नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड और नेगेटिव चार्ज कहाँ एक्यूमुलेट होता है ओवर द लोअर एजेस ऑफ द क्लाउड जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलते हैं तब क्या होगा कि स्ट्रीक्स प्रोड्यूस होएंगी ओके ब्राइट स्ट्रीक्स जिसको कि क्या हम बोलते हैं लाइटनिंग और साथ में साउंड प्रोड्यूस होगी ओके सो वी सी दी स्ट्रीक्स स्ट्रीक्स एज लाइटनिंग जब बिजली चमक रही है तो हमें क्या नजर आता है स्ट्रीक्स नजर आती है एंड द प्रोसेस ये जो प्रोसेस होता है ड्यूरिंग लाइटनिंग इसको क्या हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज what we call it electric discharge the process of electric discharge kab kab ho sakta hai kahan kahan ho sakta hai that can occur between two or more clouds jo electric discharge ka process hai that can occur between two or more clouds ya to तो clouds के दो या दो से ज्यादा clouds के बीच में हो जाए electric discharge या बिटवीन द क्लाउड एंड द अर्थ ये अर्थ के पास पॉजिटिव चार्ज है यहां पर इस क्लाउड के पास नेगेटिव है अगेन द स्ट्रीट दे विल बी सेम जब ये दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में मिल जाएंगे अब ये तो मैंने बता दिया कि लाइटनिंग जो है वो होती क्या है उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी कहते हैं लेकिन लाइटनिंग से प्रॉपर्टी और लाइफ को भी वो डिस्ट्रॉय कर सकती है हाउ एवर लाइटनिंग स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी यहाँ पे भगवान का नहीं रोल है ठीक है अगर हमारे ऊपर लाइटनिंग किसी के ऊपर भी किसी के ऊपर लाइटनिंग गिर जाती है तो लाइफ थ्रेटनिंग है ओके okay? वहाँ पे बहुत डर है कि वो इंसान बचेगा नहीं अगर किसी प्रॉपर्टी बिल्डिंग के ऊपर भी गिर जाती है तो वो भी उसको भी, वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स एंड आसल्स फ्रॉम द लाइटनिंग सम सेफ्टी मैर्स दैट शुड बी टेकन सो आई विल टेक अप दिस टॉपिक सेफ्टी मैयस इन माई नेक्स्ट वीडियो Till then, thank you very much.